पंजाब से सांझा फंड मुलाजम वालों पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तुसी देख रहे हो समाणा दे विच इन मुलाजम वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्हां दी मंग है कि जिहड़ी पेंशन है 2004 की वो लागू की जाए, जिहड़े कच्चे मुलाजम है पक्के किए जाण, ठेका सिस्टम बंद किया जाए, जिहड़े आउटसोर्स मुलाजम है उन्हां की लूट हो रही है उस लूट खत्म करी जाए। 10 तारीख नूं इन्हां वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान के शहर संगरूर दे विच बेमिसाल रैली की जानी है। हर विभाग के भी जो ठेकेदारी सिस्टम है आउटसोर्सिंग सिस्टम है और जी पेंशन स्कीम है 2004 की जदों तक इन्हों लागू नहीं करती, इन मुलाजमान का पंजाब सरकार के खिलाफ जो इन्होंने बिगुल बजा दिता है और 2024 के इसका जवाब मुलाजमान वालों सरकार को दिता जाना है। पंजाब के कल्ले कल्ले कैबिनेट मंत्री को भी रोस पत्र अपना यह मंग पत्र भी नाल अटैच है, पर उपर सब तो पहला रोस पत्र आ कि जिन्हों मंगों के उत्ते सानू भरोसे दते वो मंगा अज सोडे राज दे विच भी 6 महीने का समा असी देता है। बिल्कुल कोई अंदोलन नहीं होया सरकार के खिलाफ उस तरह का, पर सानू कोई आउटपुट तो दिसे ना, कोई मुलाजमान के संबंधी तो एक पैसे की आउटपुट नहीं अजे तक आई है। इस करके साडा रोस पत्र है। पंजाब के मुलाजमान पेंशनर माण भत्ता वर्कर वालों सांझे फ्रंट की अगवाई दे विच अलग अलग जगह पर कैबिनेट मंत्रियों को रोस पत्र दिते जा रहे हैं। रोस पत्र देने की वजह यह कि जिन्हें मुलाजमान वर्करा नाल सरकार ने वादे किए उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर माण भत्ता वर्करा ते मिनीम वेजस एक्ट लागू करन दी मंग सी, कच्चे मुलाजम पक्के करन दी मंग सी, तनखाह कमीशन दे विच इंसाफ देने दी मंग सी, पुरानी पेंशन लागू करन दा वादा खुद वित्त मंत्री हरपाल चीमा धरने जाके बैठते सी, उन्हां दे विचों किसी भी मंग के उत्ते सरकार अगे नहीं वध रही। इस करके अज रोस पत्र दे रहे हैं ते 10 तरीक नूं भगवंत मान दे जिले दे विच संगरूर च सूबा पद्धर ते कबड्डी रैली कीती जा। पिछलियां सरकारां जिवें कह लईए जे नहीं मन्नी हैगी आ तां अज किसी सीन पर नहीं है, राजनीतिक सीन पर पिछलियां सरकारां जे कुर्सी छड्डनी पई है सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो यह सरकार नू भी कह रही है लोगों ने लोक सभा चोणां च दिखा देना। मुलाजमान के जिहड़े इशू बहुत ही बर्निंग ने, जिहदे च रेगुलाइजेशन का इशू है, पुरानी पेंशन बहाली का इशू है, मिनीमम वेज जिहड़ा लगातार नहीं वधिया, मिनीमम वेज वधाउण का इशू है, कच्चे कामियां नू पक्के करन का इशू है और घट्टो घट जिहड़ी पेंशन 2004 की बंद की है उस नू बहाल करन दा है और ठेकेदार जिहड़े 15 सालों तो दना दन लुटेरे बने हुए ने, लुट रहे ने डिपार्टमेंटां नू, उन्होंने बाहर कढ़न का इशू है। उन्होंने इशुआं नू लेके असीं प्रोटेस्ट जिहड़ा है वह कर रहे हैं। अज जंगलात वाले जिहड़े ने बाकी महकमे वाले जिहड़े ने मार्च तो तनखा नहीं मिली, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिहड़ी सरकार कच्चे कामियां नू कॉन्ट्रैक्ट कामियां नू डेली वेजेज कामियां नू तनखा ही नहीं दे सकती, उन्हों नैतिक तौर पर मेरे ख्याल से हुण वापस हो जाना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम सी वह कटती, देखो बहुत ही एक यह धोखे धड़ी वाली गल की है मुलाजमान नाल, जो कि एक पेंशन आ सारी उम्र के 58 साल तो बाद बुढ़ापे तो बाद एक पेंशन होंगी है जिदा कि सहारा आता कोई जिन्ना मर्जी बुढ़ापा चलो उस सिर ते कट जाता, पर बहुत यह एक शर्मनाक गल आ जिहड़ी कि साडियां सरकारां ने आपदियां तां उह एमएलएयां दे हिसाब नाल 5-5, 7-7 पेंशन लेंदे रहे ने और खजाने नूं चुना लाउंदे रहे ने। एक मुलाजमान दा 58 साल तो पूरा मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन जिहड़ा अपने जीवन भर पूरा वो करन वाला हुंदा, जोश होश सारा कुछ कमा लैंदे ने, सारा कुछ उत्थे वो अर्पण कर जांदे ने, उस तों बाद उन्हां नूं जो पेंशन आ वो भी नहीं। एक बहुत ही शर्म और घटिया गल, अगला संघर्ष साडा पूरा वह होगा। देखो हुण असीं मंग मंग के देख लिया फिर असीं जोर जमा के देखांगे, कोई वो नहीं हैगा। जिथे भी जिन्ना भी होया असीं सरकारां नूं इट दा जवाब पत्थर नाल देवांगे। जे साडा मुलाजम मतलब नहीं रहा है सरकारां फिर कित्थों रहणगियां। कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।